चलिए देखते हैं इस वक्त कौन सी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद गठन को लेकर चल रही महत्वपूर्ण बैठक को लेकर छात्र संघ के पदाधिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया है। छात्र संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल पर इकट्ठे होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं और इस दौरान हालांकि उन पर पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया, हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय छात्र परिषद की मंजूरी को लेकर एक बैठक की जा रही है और वहीं छात्रों का कहना है कि ये हमसे जुड़ी हुई बैठक है, ये हमसे जुड़ा हुआ मसला है, तो इसमें हमारी सलाह जरूरी। आइए देखते हैं इस बारे में छात्र लोगों का और छात्र संघ के नेताओं का क्या कहना है। और विश्वविद्यालय जिस प्रकार आदताई कर रही है, जिस प्रकार हम छात्रों के साथ उत्पीड़न कर रहा है, अब हम समस्त छात्र एकजुट होकर अब उन रास्तों पर चलने का काम करेंगे जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने हमको आज़ादी दिलाई। हमको भी विश्वविद्यालय में आज़ाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो हमको अब गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन बहुत कर लिए, अब हम लोग आंदोलन इस प्रकार करेंगे कि विश्वविद्यालय के प्रशासन को, विश्वविद्यालय को भी समझ में आएगा कि छात्र क्या होता है और छात्र नेता क्या होता है और छात्र संघ की भूमिका क्या होती है। लागू करेंगे तो यहाँ पे खरीद फरोख्त होगा, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख की तरह चुना होगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि हत्या के नाते आप छात्र संघ बंद कर रहे हैं, अगर छात्र संघ जिम्मेदार उस हत्या में, तब आप उस हत्या छात्र संघ को बंद कीजिए। कुछ ही दिन पहले दरवेश यादव एक हाईकोर्ट बार की एसोसिएशन अध्यक्ष, इसका मतलब एडवोकेट संघ भी बंद कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि कुछ 10 दिन पहले एचआरडी ने शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है और उस शिक्षक भर्ती पर रोक लगवाने का काम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा सर ने हाईकोर्ट में जाके केस लड़ने पे किया है, जिसमें एचआरडी ने इस नियुक्ति गलत पाया और शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार एसटी जैन हॉस्टल को बंद कर दिया गया, पिछले साल हिंदू हॉस्टल बंद करने की पूरी प्लानिंग थी और ये अंकित द्विवेदी हमारे मित्र ये लोग के नेतृत्व में आंदोलन पर बैठा गया था और उसको बंद करने के लिए इस बार हाल इन हाल हॉस्टल भी बंद करने वाले हैं, तो ऐसे लोग अलोकतांत्रिक व्यवहार को हम सहन नहीं करेंगे और जब तक हमारे छात्रों की रिहाई नहीं होगी और इस छात्र राजनीति जो क्षेत्र राजनीति में वो भी उनको भी हमारा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंद्र ठीक है। प्रशासन छात्रों छात्र संघ बंद करना चाहता है और छात्र परिषद लागू करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके पीछे रणनीति क्या है? हर जगह छात्र संघ, मतलब हर जगह कोई ना कोई संघ होता है, शिक्षक संघ, मजदूर संघ, तो उसी प्रकार से हमारा छात्र संघ होना चाहिए। हमारे छात्र नेता जो कल 21 छात्रों की गिरफ्तारी हुए, वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि आमरण अनशन पर वो लोग बैठ गए हैं और हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा। हम पूरी ताकत के साथ, हमारा जितना नौजवान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ, वो पुरानी परंपरा को लागू करने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, नाम बता दो, सुनील केसरवानी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।